अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद रमज़ान व्लॉग। तो आज संडे का दिन है, आज फ्री बैठे हुए थे तो टाइम भी नहीं था कि खेतों की तरफ जाएं और व्लॉग वगैरह बनाएं, तो मजदूरी कर रहे थे। अभी ये क्या कहते हैं इसको, मिट्टी उठा रहे हैं। ये मेरा भाई है बड़ा जो अता मोहन, और ये पास में बैठा हुआ है अमजद संग्रासी, और सामने ये आपको मैं दिखा देता हूँ रेड़िया हम भर रहे हैं, और अत्ता जो है ये इस कुदाल से इसको भर रहा है, और ये पासे में वणाठियाँ पड़ी हुई हैं। ये अली अपना हंस रहा है, बोल रहा है क्या मजाक क्या मश्किरी कर रहे हो। ये सामने आपको दिखा देता हूँ मेरा बड़ा भाई जो बहुत ही मेहनती है, मेरे घर के लिए काम कर रहा है, 6 दिन पूरे ये काम करता है घर का। आज संडे का दिन है तो ये रेड़िया मैं दिखूँगा, और ये भर रहा है अभी रेड़िया इसने भर दिया है, फिर बाद में ये बोलेगा मुझे कि आप इसको खींचो या इसको छिको। तो आपको दिखा देता हूँ अता मोहम्मद संग्रासी। तो दोस्तों ये है मेरा बड़ा भाई अता मोहम्मद जो ये सामने रेड़िया भर रहा है, ये सामने अमजद है, ये पीछे जो है इसको जाड़ियाँ भी कहते हैं और देवी भी है, इसको देवियाँ भी कहते हैं, इसको खबड़ियाँ भी कहते हैं हम थड़की में। और ये अमजद मेरा भाई इसको रेड़िया को दिख रहा है, शुक्रिया। इससे ये रेड़िया दिखा नहीं जा रहा है, ये पास में खबड़ियाँ झाड़ियाँ हैं। लच्छी लेके जा रहा है, लच्छी खाने वाली बूढ़ी के ये क्या कहते हैं बुढ़िया के बाल हैं। ये लच्छी हम बाद में खाएंगे, कितने की बेटा है लच्छी है, 1.5 रुपए की, 1-2 देके जाओ, इधर आओ, हमरे को 5 लच्छियां दो, 10 रुपए रही है ना, 5 ले भाई, अभी खासा हो 5 दे, तो ये अभी लच्छियां निकाल रहा है। कितने लेके गया, कितने ले आए हुए, क्या कहाँ ले आए हुए, उमरकोट का पूरे 5 ही आई, कौन आप भील कितलो कंडी स्टावरो इत गए में आए भाई रक्षे में, घणो किराया भरे हो, अच्छा सही सही, चलो ठीक है। तो अभी मैंने लच्छियाँ, ये इसको बुढ़िया के बाल भी कहते हैं, ये रंगीन लच्छी हमने ली है, एक मैं दे रहा हूँ इसको मेरे छोटे भाई अमजद को, ये लच्छी खा रहा है, इसको शर्म नहीं आती है, ये बच्चा हो के लच्छी खाता है, बड़ा हो के ये नहीं खा रहा है इस कावड़ में। और अभी एक लच्छी मैं दे रहा हूँ अपने भाई अत्ता मोहम्मद को, लच्छी ले रहा है नहीं खा रहा है कि बाद में छुप के खाएगा, अच्छा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे ये भाई बोल रहा है कि तुम रेडिया दिखो, तो ये मोबाइल आप पकड़ो और मैं ये रेडिया दिखता हूँ। अभी मैं रेडिया दिख रहा हूँ, ये मुझसे मजदूरी करवा रहे हैं, ये देखो आज संडे का दिन है तो मैं रेडिया दिख रहा हूँ, ये देखो अभी बंद करो। ये अपना मौलवी आया है, यहाँ पे कुरान पढ़ता है, अभी आया है, अभी इसको मिट्टी खड़ाएंगे, अभी यहाँ गोट पे उकरड़े में यहाँ पे ये कुरान पढ़ता है, और अभी इसको हम मिट्टी खड़ाएंगे, क्योंकि मौलवी जो है ना जान और ताकत होती है, ये देखो हंस रहा है मौलवी, हाँ माशाल्लाह ये कुरान शरीफ पढ़ रहा है, अच्छा काम है। और ये इसमें आप ये किचरा डाल रहे हो, ये काम नहीं आएगा, ओ भाई ये आप जो मिट्टी इसमें डाल रहे हो, इसमें देखो ये इसमें किचरा बहुत कर रहे हो। और ये मेरा भाई अमजद ये बहुत कावड़ रहा है, बोल रहा है कि ये क्या डाल रहे हो इसमें मिट्टी में, किचरा बहुत है, ये काम की चीज़ नहीं है, ये अच्छा अच्छा करो। और वो सामने मेरा भाणेजा उसका वो क्या कहते हैं वो राह पिटा रहा है, खेल रहा है पर वो राह पिटा रहा है, ये हमने बहुत सारे पैसे भर के वो जाहिर से खड़ाया है, और ये पता नहीं क्यों उसको पिटा रहा है।
ये हम रेडिया भरने वाला है। फिर मैं बाद में, आपने पहले भी इसमें वीडियो में सेम में देखा था कि मैं ये रेडिया छिक रहा था, और ये अपना जा रहा है, सईद भाई जा रहा है अपने वीडियो बनाने जा रहा है बनी में। सईद वजह में बनी दे, हाँ ये सईद भाई जा रहा है बनी में, ये जा रहा है वीडियो भरने, ये दौड़ता जा रहा है। और ये अभी आज आचर का दिन है संडे का, तो आज सारे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आज मेरी जगह जो बनी हुई है उसकी हम भराई कर रहे हैं। बिल्डिंग नहीं है, एक छोटा सा कमरा बन रहा है, और बाद में बड़ा जो मैं इसमें व्लॉग में जो मेरी कमाई होगी उसमें मैं बड़ा बंगला उमरकोट में बनाऊंगा। और ये मेरा भाणेजा है, ये अभी बंदूक लेके आया है, बोल रहा है कि मैं आपको बंदूक मारूंगा। तू रहा है मेरा पिटा रहा था, हाँ रहा मेरा क्यों पिटा रहा था, हाँ बंदूक बंदूक मारेगा, बंदूक नहीं मारना है। अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा रेड़ा दिखने। भाई साहब बस मेरा ब्लॉग को सफर सफर कराइब करो, सफर कराइब करो, बंद करो।